नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के खुद के माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े उनके करीबियों के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के से समय मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से कोर्ट को सौंपे गए दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है कि यह मामला काफी महत्वपूर्ण है और जनहित से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कल होने की है, ऐसा उन्होंने कहा कि वर्किंग डे लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्या है कि कल यदि सुनवाई होती है, स्टे होता है उन लोगों के फेवर में, तब थोड़ा टाइम लगेगा। यदि डिसमिस होती है तो ट्यूसडे को सुनवाई होगी। छवि रंजन का एक मामला था, वो क्या मामला? छवि रंजन का मामला ये है कि उनका सब चीज डिटेल देखा गया तो ऑनरेबल कोर्ट ने पाया कि वो बेल पे हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई है और उन पे PC एक्ट है। वो पासपोर्ट रिलीज करने के लिए एक पिटिशन फाइल किए थे जो डिसमिस हो गया है। कोर्ट ने कहा कि जो वर्बल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आप एफिडेविट जो इनसे फाइल करा रहे हैं, एफिडेविट प्रॉपर आदमी से कराइए। तो एडवोकेट जनरल का कहना है कि ये एक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो इसलिए हमसे एफिडेविट फाइल कराया है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप देखते हैं, हम उसमें ऑर्डर पास करें। राज्यसभा उपचुनाव के लिए JDU उम्मीदवार के रूप में अनिल हेगड़े ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, साथ ही NDA के कई नेता भी अनिल हेगड़े के नामांकन में शामिल होने पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि अनिल हेगड़े निर्विरोध ही चुन लिए जाएंगे। वहीं CM नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े की उम्मीदवारी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल हेगड़े की खूब तारीफ की। हम सब लोगों के उम्मीदवार हैं और बड़ी खुशी है। जब से ये उम्मीदवार बने हैं तब से सारे जगहों पर सब लोगों को बहुत प्रसन्नता आई है और शुरू से ही ये काम करते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ बहुत ही बचपन से ही अपना काम करते रहे हैं तो, और हम लोगों के साथ एक बहुत संबंध है और हमेशा कभी किसी चीज़ के लिए इन्होंने आज तक इच्छा नहीं प्रकट की है कि हमको कुछ मिलना चाहिए। इनको कोई इच्छा कभी कुछ नहीं प्रकट की, सब लोग काम करते हैं। जौहर साहब मिले थे, फिर हम सब लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे थे। वो नहीं रहे तो भी और जब भी लगातार ये पार्टी के लिए ही काम करते रहे। तो इस बार हम लोगों के मन में सब आपस में बैठ करके बातचीत किए, सबके मन में ये बात थी कि भाई इनको एक अवसर मिलना चाहिए, तो वही हम लोगों ने किया। तो फिर अभी ये आए हैं, लेकिन इनकी कोई व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड के BDO अजय कुमार प्रिंस के 4 ठिकानों पर एक साथ रेड मारा है। BDO अजय कुमार के दानापुर स्थित घर में भी छापेमारी की गई है। इसके साथ ही पूर्णिया, पश्चिम बंगाल के दालकोला और वैशाली के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। बता दें कि BDO अजय कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद छापेमारी की गई है। आप कहाँ, आप उनके साथ ही ना हैं सर? ना, दानापुर थाना से। तो मैंने किस चीज़ का छापेमारी वगैरह कुछ जानकारी है? जानकारी इतना ही है, आय संबंधी, आय से अधिक संपत्ति है। BDO है, घर किसका है? BDO का है। कौन तिमाही है ऊपर छापेमारी के लिए? पटना से। कौन पटना से, किस चीज़ विभाग के? गया में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने दिन दहाड़े SBI बैंक में धावा बोलकर 16 लाख रुपए की डकैती की है। इतना ही नहीं, लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक कर्मियों की पिटाई भी कर दी। वारदात गुरारू थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे के करीब 6 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। वही घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आए हैं ब्रांच खोले हैं, कैश निकाल के बैठे थे, कस्टमर से भी आए हुए थे। आज भी बड़ा वाला दिन ऐसा है, इतने में 4-5 लड़का आया अंदर, मेरे पास आते थे, मैंने कहा बोलता कि चाबी निकाल।
मुझे कुछ काम है तो नहीं, इसको पहले चाबी निकालिए फिर मार देगा। मैं बोला कि चाबी मेरे पास रहता नहीं है, स्टाफ उसके पास रहता है, हमने तो फिर हम देखते हैं। फिर मुझे दूसरा स्टाफ था तो चाबी उसके पास हो जाते हैं, अगर कूलर लेके गया मारने के बाद लगा लेकिन चाबी निकालिए बोल्ट खोलिए, एक चाबी उधर छुपा दिया था तो बोल्ट लोग खोलने दिए नहीं है, लेकिन इतने बीच में उनको मारा पीटा है बाहर में कैश पड़ा हुआ था उसको। क्या कितना कितना कैश हुआ था? अरे 16 लाख के करीब कैश था। 16 लाख और ये जो कस्टमर से बैठे हुए थे उनको भी बंधक बना दिया, वो सीधे बोलने लगा कि अगर कुछ करोगे तो गोली मार दे रहे, नीचे भी उतरने नहीं दे रहा है, सारा मोबाइल लोग उठाते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जयंत कुमार। तपती गर्मी के बीच बिहार में अचानक ही मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना सहित सूबे के कई जिलों में तेज आंधी देखने को मिली है, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई। वहीं इस आंधी और बारिश से कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला है। अचानक हुई इस बारिश में तापमान में कमी आई है जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।